Hello everyone, Namaste, Namaskar, Khurum Jari, welcome to my YouTube channel Spoon and Basket. मैं हूँ देवजनी और आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और एक्साइटिंग रेसिपी लेकर के आई हूँ और वो है ट्रेडिशनल मणिपुरी फिश करी, इसको हम लोग ना तो इथो भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और इसका टेस्ट भी बहुत अलग आता है। हर एक स्टेट का अपना ब्यूटी होता है, अपना क्यूजिन रहता है, तो आप बोल सकते हो कि ये छोटा सा रेसिपी भी एक आइडेंटिटी है हमारे मणिपुरी कल्चर का। तो अगर आपको फिश खाना बहुत पसंद है और आपको डिफरेंट डिफरेंट क्यूजिन के रेसिपीज को ट्राई करना अच्छा लगता है, तो फिर आपको ये रेसिपी ज़रूर से एक बार ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मैं फुल्ली ऑथेंटिक रेसिपी नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि इसको ऑथेंटिक बनाता है कुछ स्पेशल स्पाइसेस जो हर जगह पर अवेलेबल नहीं हो पाता। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, तो इन स्पाइसेस के बिना मैंने ट्राई करी है इस रेसिपी को बनाने का। बट ट्रस्ट मी गाइस, उतना ही फ्लेवरफुल एंड उतना ही टेस्टफुल निकला है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये रेसिपी। तो जल्दी से देख लेते हैं बनाने के प्रोसेस। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कटला फिश 950 ग्राम और फिशेस को इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा टमाटर, इसको इस तरीके से कट कर लिया है, और लिया है थोड़ा सा मटर हाफ कप के अराउंड, और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता इस तरीके से चॉप किया हुआ, और यहाँ पे लिया है थोड़ा सा जीरा और बहुत थोड़ा सा मेथी, यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे खड़े मसालों में लिया है थोड़ा सा गोटा धनिया 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा ब्लैक पेपर 10-12 नंबर्स, और थोड़ा सा जीरा 1 टेबलस्पून, और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा ड्राई रेड चिली 4-5 नंबर्स, और 1 टेबलस्पून बेसन भी लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन को इस तरीके से क्रश कर लिया है, और लिया है थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, उसका ग्रीन पार्ट सेपरेट कर लिया है और वाइट पार्ट भी सेपरेट कर लिया है, और लिया है एक बड़ा सा ऑनियन इस तरीके से स्लाइस किया हुआ, और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कोरिएंडर स्टॉक्स। अब हम चलते हैं मैरिनेशन करने के प्रोसेस में। उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और इन दोनों को मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल ऐड करने से आपका फिश जो है पूरी तरह मैश नहीं होगा और अपना शेप थोड़ा सा मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक मसाला पाउडर बनाया है, इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा काली मिर्च, इन तीनों को मैंने रोस्ट करके इस तरीके से कूट लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक मसाला मिक्सचर बनाऊंगी, उसके लिए मैंने ड्राई रेड चिली को गर्म पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद उसका जो ड्राई पार्ट है उसको मैंने हटा दिया है। अब इस पानी में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेसन जो मैंने रखे थे 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, और जो मैंने मसाला अभी बनाया था उसका 1 टीस्पून के जैसा मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी, और इसका अच्छे से एक मिक्सचर बना लूँगी, और इसको हम लोग साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दी है। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं यहाँ पे फिशेस को एक एक करके ऐड कर लूँगी, सारे ही फिशेस को, और हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा भून लूँगी। 30-40% तक कुक हो जाने के बाद अब मैं सारी ही फिशेस को निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब उसी ऑयल में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 तेज़पत्ता, इस तरीके से तोड़ के डाल दिया है मैंने, और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अनियन। अब अनियन को मुझे थोड़ा फ्राई कर लेना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी गार्लिक और जिंजर जो मैंने रखे थे क्रश करके, साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी कोरिएंडर स्टॉक जो मैंने कट करके रखे थे, और इन सभी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे भून लेना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी टमाटो जो मैंने कट करके रखे थे। टमाटोज को भी अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेना है मुझे। उसके बाद जो मैंने मसाला मिक्सचर बनाया था उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी जो मैंने फिश फ्राई करके रखे थे और इन सभी चीज़ों को एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आपको बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि सब पीसेस टूट ना जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक के पका लूँगी 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी मटर। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है इसीलिए मैंने इस स्टेज पर ऐड किया है। अगर आप फ्रेश का यूज़ कर रहे हो तो फिर आप टमाटोज के साथ ही ऐड कर दीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 ग्लास पानी। उसके बाद अब मैं इसको ढक के 15 से 16 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। ये देखिए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं, अब ऑलमोस्ट पक चुकी है हमारा डिश। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे एक बार और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी 2 चम्मच मसाला मिक्सचर जो मैंने पहले बना के रखे थे। इसका मैंने 1 टीस्पून पहले भी ऐड किया था। तो अब इसको ऐड करने के बाद मैं इसको हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि फिश का जो पीसेस है वो पूरा मैश ना हो जाए। इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी थोड़ा सा नमक। मैंने पहले भी नमक 2 बार ऐड किया है, थोड़ा सा फिश के साथ और थोड़ा सा मसाला मिक्सचर में, तो आप उस हिसाब से नमक को ऐड करिएगा। और फाइनली मैं यहाँ पे गार्निश कर लूँगी इसको थोड़ा सा धनिया पत्ता देकर। अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा फिश का रेसिपी। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए इस तरीके से ढक के रख दूँगी ताकि सारा ही धनिया का फ्लेवर मेंटेन रहे। अब एकदम रेडी है हमारा रेसिपी सर्व करने के लिए। और फ्रेंड्स, हम लोग जब भी मीट या फिर फिश खाते हैं तो फिर एक सलाद साइड में अच्छा ही लगता है, तो मैंने एक सलाद बनाया था पर आई एम सॉरी मैं इसको शूट करना भूल गई। तो मैं इसका इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब कैबेज लिया है ग्रेट किया हुआ, या फिर आप फाइनली भी चॉप कर सकते हो। और कैरेट का भी मैंने 1 कप लिया है ग्रेट किया हुआ। स्प्रिंग ऑनियन मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल मैंने डाला है 1 टीस्पून। और रोस्टेड पीनट्स को इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड करके डाला है 1/2 कप। मैं पहले भी थोड़ा डाल चुकी हूँ। इसको जब आप ग्राइंड करिएगा तब आप 2-3 सेकेंड छोड़ छोड़ के ग्राइंड करिएगा, नहीं तो ऑयल छोड़ने लग जाएगा और पेस्ट बन जाएगा, पाउडर नहीं बन पाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ग्रेट चिली पाउडर भी डाला है और साथ में मैंने गार्निश किया है थोड़ा सा धनिया पत्ता देकर। और रेडी है हमारा टेस्टी सलाद। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है इस तरीके से। कितना डिलीशियस और कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके खाइएगा घर में, और साथ में इस सलाद को भी एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फिर फ्रेंड्स, आज का मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।